गाइस, अनुराग दिस साइड। सो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। आज कुछ कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे यार, वो अब क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। सो दिस इज लीड कोड 853 कार फ्लीट। तो इसमें बेसिकली क्या क्या रहा है, वो हम लोगों को एन कार्स दी हुई हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। एक रोड है, उस पर एन कार्स जा रही है सेम डायरेक्शन में। अब उन कार की दो प्रॉपर्टीज दी हुई है हमें, ठीक है। एक तो हर कार की स्पीड दी हुई है, द स्पीड ऑफ द आईएथ कार एंड द इनिशियल पोजीशन। मतलब लेट्स से कि ये एक रोड थी, ठीक है, तो इस वाले रोड पे यहाँ पे एक कार है, तो इसकी स्पीड क्या है इस डायरेक्शन में जाने की, लेट्स से स्पीड एक्स है, और अभी ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, मतलब किस पोजीशन पे है ये कार। तो लेट्स से वो वाई है, उसकी जो पोजीशन दी हुई है, ठीक है। ये दो चीज़ें दी हुई हैं, और ऐसी एन कार्स हैं, बहुत सारी कार्स हैं एन कार्स, और एक पॉइंट दिया हुआ है जिसको ये बोल रहे हैं टारगेट। टारगेट दिया हुआ है एक, इन सारी कार्स को इस टारगेट पे पहुंचना है। पर अब इशू क्या है, इशू ये है कि सारी जो कार्स हैं उनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो लेट से ये कार 3 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी, और ये जा रही थी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये वाली कार। तो होगा क्या कि ऐसा हो सकता है कि ये जो 3 मीटर पर सेकेंड से चलने वाली कार है, ये आगे जाके इस 1 मीटर पर सेकेंड वाली कार से कोलाइड कर जाए, ठीक है। ऑफ कोर्स ये बात है, क्यों? क्योंकि ये धीरे चल रही है। अगर ये तेज़ चल रही होती, लेट से 7 पे चल रही होती वाली कार, तो कभी कोलाइड ही नहीं होता, लेकिन ये धीरे चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ये दो कार्स कोलाइड कर जाए। तो उन्होंने क्या दिया हुआ है कि अगर दो कार ऐसे एक लेन पर जा रही हैं और वो कोलाइड कर जाती हैं, तो वो दोनों कार मिलके एक ही कार बन जाएगी। मतलब ऐसा ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है, उन्होंने हाइपोथेटिकली बोला हुआ है ऐसा। देखो, अ कार कैन नेवर पास अनदर कार अहेड ऑफ इट, बट इट कैन कैच अप टू इट, उस तक पहुंच सकती है वो, एंड ड्राइव बम्पर टू बम्पर एट द सेम स्पीड, ठीक है। एक साथ चलेंगे फिर वो, अज्यूम कर सकते हैं कि एक ही कार है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कार्स इज इग्नोर्ड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब ये दोनों कार्स टकरा जाएंगी तो इनके बीच का डिस्टेंस, जैसे ये जो मान रहे हैं ना हम कि ये दो कार हो जाएंगी, अब ये वाला डिस्टेंस जो है इसको हम बेसिकली इग्नोर कर सकते हैं, एक ही कार मान सकते हैं इस पूरी को। दे आर अज्यूम टू हैव द सेम पोजिशन, सेम पोजिशन है, और लेट से कि एक ये कार थी, ये एक्स मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही थी, और ये जो दूसरी कार थी ये वाई मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही थी, ठीक है। तो जब ये दोनों टकरा जाएंगे ना कार, जब ये एक्स वाली इससे जाके टकरा जाएगी, तो इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल स्पीड होगी, वो वाई मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और पोजिशन क्या हो जाएगी, जो आगे वाली कार की थी। मतलब लेट से ये ए कार थी, ये बी कार थी, तो टकराने के बाद जब ये ए भी हो जाएगी ऐसे, तो ये जो फाइनली दोनों कार एक साथ चलेंगी, ये बी के हिसाब से चलेंगी। अगर बी की स्पीड एक्स थी तो एक्स स्पीड हो जाएगी और वाई पोजिशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स थे, ये कुछ कुछ फैक्ट्स थे। तो इन्होंने क्या दिया है, अ कार फ्लीट इज सम नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कार्स ड्राइविंग एट द सेम पोजिशन एंड सेम स्पीड। वही कार फ्लीट क्या है, अगर दो कार टकरा जाती है तो ये सेम पोजिशन और सेम स्पीड चलती है, तो ये इसको हम एक फ्लीट कह रहे हैं, राइट। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लेट से तीन कार थी, दो की जगह हमारे पास तीन कार थी, ए बी सी, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये जो तीनों कार है ये आपस में टकरा गई, लेट से इस पॉइंट पर टकराई, ए बी सी ऐसी हो गई। तो ये जो ए बी सी बना है ना, ये जो नया ए बी सी बना है, अब इसको हम एक कार के सिंगल कार की तरह ट्रीट करेंगे, सिंगल कार, और इसकी जो मतलब इसकी जो स्पीड और पोजीशन होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी, लेट से पहले बी सी से टकराई, तो बी सी में सी की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी, ठीक है। और फिर ए इन बी सी से टकराई होगी, तो फाइनली जो सबसे आगे वाली कार थी, जो लीडिंग कार थी, उसके हिसाब से इसकी पोजीशन और स्पीड जो है वो वेरी करेगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है, इफ़ अ कार कैचेज अप टू अ कार फ्लीट एट द डेस्टिनेशन पॉइंट, इट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन कार फ्लीट। मतलब कहने का मतलब कि ये सारी कार जो थी, मैंने ऊपर बताया था, ये सारी कार एक टारगेट पे जा रही है, इस टारगेट पे जा रही थी ये जितने भी कार्स थी, तो अगर टारगेट पे भी जाके दो कार्स टकराती है तो उसे भी हम कार फ्लीट बोलेंगे, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझाता हूँ, क्या क्या दिया हुआ है हमें ये मैंने तुम्हें बता दिया, अब प्रॉब्लम समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। लेट से ये एक रोड है, राइट। इस रोड पे क्या होगा, बहुत सारी कार्स जा रही हैं, लेट से एक ये कार है, एक ये कार है, एक ये कार है, एक ये कार है, और लेट से यहाँ पे क्या है, टारगेट है।
तो इसमें से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड स्पीड कुछ कार्स मर्ज करके एक ही कार बन जाएंगी। लेट्स सी, ये दोनों कार्स मर्ज करके एक ही कार बन गई, तो होगा क्या, टारगेट पे कितनी फ्लीट्स पहुंच रही होंगी। फ्लीट क्या है, फ्लीट हो सकता है ग्रुप ऑफ मोर देन वन कार। तो फ्लीट क्या है, फ्लीट क्या हो सकता है, फ्लीट बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कार भी हो सकता है। जैसे कि ये दोनों कार अब टकरा के एक फ्लीट बना ली इन्होंने, ठीक है, वन फ्लीट, ठीक है। और एक सिंगल कार भी एक फ्लीट हो सकती है, एक सिंगल कार कैन ऑल्सो भी कंसिडर फ्लीट, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कहीं। ये रहा, दैट नो अदर कार्स मीट, या ये रहा, नोट दैट अ सिंगल कार कैन ऑल्सो बी अ कार फ्लीट, ठीक है। तो एक सिंगल कार तो है ही फ्लीट, और अगर दो तीन कार्स मिल गई हैं तो वो तो है ही ऑफकोर्स फ्लीट। तो हमें बताना है एंड में कितनी फ्लीट्स हमारे पे पहुंच रही है, टारगेट पे कितनी फ्लीट पहुंच रही है। लेट से कि एक और एग्जांपल से ऐसे थियोरिटिकल बताते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच कार जा रही थी इस रोड पर, ये हमारा टारगेट है यहाँ पर। तो लेट से ये दोनों कार कंबाइन कर गई और ये दोनों कार कंबाइन कर गई, ठीक है। तो एंड में इन दोनों का एक फ्लीट पहुंचा, ये सिंगल कार खुद एक फ्लीट बना रही है और ये दोनों एक फ्लीट बना रही है, तो एंड में हमारे पे बेसिकली थ्री फ्लीट्स पहुंची। तो क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि भाई कितनी फ्लीट्स पहुंच रही हैं टारगेट पे, ये बता दो मुझे, राइट। ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट केस पिक करते हैं। अब लेट्स से यही वाला टेस्ट केस पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, इसे यहां लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूंगा यार, अब एक फैक्ट देखो तुम, फैक्ट क्या है, लेट से मेरे पे तीन कार थी, उनकी पोजीशन थी, एक के सिक्स पोजीशन है, एक के लेट से 21 पोजीशन है और एक के लेट से 9 पोजीशन है। ये एक कार है, ये एक कार है और ये एक कार है, ये तीन कार सपोज मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर ये सिक्स वाली जो कार है इसकी स्पीड तेज़ है, काफ़ी तेज़ है, तो अगर इसे टकराना होगा तो ये कौन सी कार से जाके टकराएगी। ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे अगर रोड पे चल रही होंगी, तो इसकी पोजीशन थी सिक्स, यहाँ पे सिक्स पे है, एक है कार हमारी नाइन पे और एक है 21 पे, ठीक है। तो अगर ये कार चल रही होगी सिक्स वाली, तो अगर इसकी स्पीड तेज़ भी होगी तो ये एट मैक्स 9 से जाके टकरा सकती है। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली 21 से टकरा जाएगी, क्योंकि ओवरटेक का तो कोई सीन ही नहीं है। तो होगा क्या कि ये वाली जो सिक्स वाली कार है, ये अपनी नेक्स्ट ग्रेटर पोजीशन वाली कार से टकरा सकती है। ऐसी अगर ये जो 9 वाली कार को मैं देखूँ, अगर इसे टकराना होगा तो ये अपनी नेक्स्ट ग्रेटर पोजीशन वाली कार से टकरा सकती है। ये 9 वाली जो कार है वो 21 वाली कार से ही टकरा सकती है। तो एक चीज़ तो मुझे इससे क्लियर हो गई कि यार कहीं ना कहीं सॉर्टिंग का तो सीन आएगा। सॉर्टिंग का क्या सीन आएगा कि अगर मेरे को एक एक्स पोजीशन पे कार दी हुई है, तो वो जो एक्स पोजीशन पे कार है वो अपने नेक्स्ट पोजीशन, नेक एक्स से जो नेक्स्ट ग्रेटर पोजीशन है, लेट से वाई है, तो उसी से टकरा सकती है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे को इनपुट दी हुई है स्पीड और पोजीशन की, इसे मैं सॉर्ट कर दूंगा। इससे पहले मैं क्या करूंगा, एक कार क्लास बना लूंगा, ठीक है। एक कार क्लास बना ली मैंने, उसमें क्या क्या है, उसमें एक तो है पोजीशन, लेट से इंट पोजीशन है उसमें, और दूसरी चीज़ क्या है, इंट टाइम टू टारगेट, ठीक है। ये अभी मैंने बताया नहीं कि टाइम टू टारगेट क्या है, पर इतना समझ लो कि एक कार को टारगेट में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। कि ये एक मेरी रोड है, इस पर ये अभी कार जो है मेरी, ये लेट से एक्स पोजीशन पे है और मेरा टारगेट है वाई, तो इसे किसने ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वाई माइनस एक्स ट्रैवल करना है, और इसकी स्पीड लेट से दे रखी है हमें एस, तो वाई माइनस एक्स अपॉन एस जो है वो क्या हो जाएगा, टाइम टू टारगेट। कि टारगेट में पहुंचने के लिए इस पर्टिकुलर कार को टारगेट में पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए, जो टारगेट है लेट से वाई माइनस इस कार की जो इनिशियल पोजीशन है, एक्स अपॉन स्पीड जितने, ये कैसे आया, नॉर्मल वही जो बेसिक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम को हम यहाँ ले जाते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है मेरा, ये वाई है, ये एक्स है, तो वाई माइनस एक्स, और स्पीड कितनी है इसकी, एस दे रखी है हमें, ठीक है। तो ये टाइम टू टारगेट है, ये भी मैंने बता दिया थोड़ा थोड़ा। ये ऐसा एक कार नाम का वो बना लो तुम क्लास। तो जब ये क्लास बन जाएगा, उसके बाद बेसिकली क्या करना है, इसे आप सही दिखेगा, या अब हमें क्या करना है कि एक ये जो कार क्लास बनाई है, इस टाइप का एक एरे बना लो, उस एरे में सारी चीज़ें स्टोर कर दो और सॉर्ट कर दो अकॉर्डिंग टू पोजीशन। पोजीशन की जगह सॉर्ट क्यों करना है, वो मैंने बता दिया कि अगर एक कार है
सिक्स है, तो वो अपने नेक्स्ट ग्रेटर कार से टकरा सकती है। तो अगर जब मैं कार क्लास का ये एरे बनाऊंगा तो ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा होगा। देखो सबसे कम पोजिशन है जीरो की, जीरो की स्पीड कितनी है वन, तो जीरो वन होगा एक एरे का एलिमेंट मेरे, दूसरा क्या होगा थ्री, थ्री होगा ठीक है, तीसरा क्या होगा फाइव, पोजिशन फाइव स्पीड क्या है उसकी वन राइट, फिर है एट, एट की स्पीड कितनी है फोर, और फिर है टेन, टेन की स्पीड कितनी है टू। तो जो मेरा कार एरे होगा, कार्स एरे बोल दो उसे, कार्स एरे होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इस कार्स एरे में क्या है, पोजीशंस के हिसाब से जो हमारा इनपुट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में, इसकी पोजीशन थी जीरो, इसकी थ्री, इसकी फाइव, इसकी एट और इसकी टेन। तो अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो हमें पोजीशन दी हुई है इसे हम क्या करते हैं प्लॉट कर देते हैं एक रोड पे। लेट से ये एक मेरी रोड है ठीक है, और इस क्वेश्चन में टारगेट हमें दिया हुआ है 12, टारगेट दिया हुआ है 12। तो एक तो जीरो पे है मेरी कार ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है वन, ऊपर मैं लिख रहा हूँ स्पीड ओके, और नीचे लिख रहा हूँ मैं कि उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन ये दो चीज़ लिख रहा हूँ। फिर है थ्री, थ्री वाली की स्पीड कितनी है थ्री है, फिर है फाइव ठीक है, फाइव वाली की स्पीड कितनी है वन, फिर क्या है एट, एट वाली की स्पीड कितनी है फोर, फिर है टेन, टेन वाली की स्पीड कितनी है टू, और यहाँ पे क्या है इन द एंड ये जो है ये है मेरा टारगेट, इसकी पोजीशन है 12, मतलब टारगेट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टारगेट इज 12। तो देखो यार अब इसे करने के एक तरीका तो ये है कि अपने ये वाली जो कार है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और ये देखो इससे आगे वाली कार जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और दोनों में देख लो वो क्या टारगेट से पहले मिल पाएंगे या नहीं ठीक है। लेकिन इसका एक बहुत सिंपल तरीका भी है, ये भी सिंपल ही है, पर ये वाला तरीका जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये देखो, मैं क्या करूँगा मैं हर कार का टाइम टू टारगेट निकाल लूँगा। टाइम टू टारगेट से मेरा क्या मतलब है कि हर पर्टिकुलर कार को, इस कार को, इस कार को, इस कार को, इस कार को टारगेट में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, अभी इस कार की पोजीशन क्या है 10, टारगेट है 12, इसे दो का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड भी है 2, तो इसे लगेगा 1 सेकेंड टारगेट में पहुंचने में ठीक है। तो मैं सिर्फ आंसर लिखता हूँ यहाँ पे, इस कार को लगेगा भाई 1 सेकेंड लगेगा। ये वाली जो कार है ये अभी 8 पे है, इसे 12 पे जाना है, यानी कि इसे 4 का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और उसकी स्पीड कितनी है 4, तो इसको भी 4/4 यानी कि इसको भी 1 सेकेंड लगेगा टारगेट में पहुंचने में राइट। फिर मैं इस वाली कार पे आता हूँ, इस वाली कार को देखूंगा, तो ये कार अभी 5 पे है यानी कि, और इसे 12 पे जाना है यानी कि 7 का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और स्पीड कितनी है इसकी 1, तो इसे 7 सेकेंड्स लगेंगे। कैसे आया, 7 डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है और उसकी स्पीड क्या है 1, तो 7/1 इज बेसिकली 7 राइट। मैं इस वाली कार को देखूँ तो ये 3 पे है, इसे 12 पे जाना है, 12-3 इज 9, एंड 9 का डिस्टेंस ट्रैवल करना है 3 की स्पीड से, तो 9/3 इज बेसिकली 3, तो इसको 3 सेकेंड लगने वाला है राइट। ये वाली जो कार है ये 0 पे है और इसे जाना कहाँ है 12 पे, तो इसे 12 का डिस्टेंस ट्रैवल करना है और उसकी स्पीड कितनी है 1, तो इसे बेसिकली 12 सेकेंड्स लगने वाले हैं। अब यहाँ से हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, लास्ट से देखना शुरू करो कि ये वाली जो कार है 10 वाली, 10 पे जो पोजीशन है कार, उससे पहली वाली जो कार है क्या उन दोनों का टाइम, मतलब इस कार को, 10 वाली को टारगेट में पहुंचने में 1 सेकंड लग रहा है, और ये जो 8 वाली कार है इसको भी टारगेट में पहुंचने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 सेकंड पे क्या होगा, ये जो दोनों कार्स हैं ये टारगेट पे होंगी 12 पे राइट। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि अगर दो कार सेम टाइम पे भी आती है टारगेट पे, इफ कार कैचेस अप टू कार फ्लीट राइट एट द डेस्टिनेशन पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है टारगेट, तो भी वो एक फ्लीट में कंसिडर होगा ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा बेसिकली 12 पे जाके मिल जाएंगी, तो ये क्या होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये कार फ्लीट बन जाएगा ठीक है। ये जो है मेरी ये दोनों कार, ये कार फ्लीट बना लेंगी, बना ली, और अब इन कार का क्या हो जाएगा, जो फाइन इस कार को मैं एक कार मान लूँगा, और इनकी इसकी स्पीड हो जाएगी बेसिकली जो आगे वाली कार की स्पीड थी वो हो गई 2, और टाइम टू क्या कहते हैं ये, टाइम टू टारगेट ये भी हो जाएगा इसका 1 राइट। तो अब ये मेरी एक कार कंसिडर हो रही है। अब मैं देखूँगा इससे पहले वाली कार, ये वाली कार थी,
ये तो मैंने देख ली, अब ये इससे पहले वाली कार देखूंगा। अब ये जो कार है ये दोनों बेसिकली एक ही है और इनका डायमेंशन है ये, तो इन दोनों को इससे कंपेयर करूंगा मैं। ठीक है, इसका टाइम टू टारगेट क्या है? 7 सेकेंड्स। ठीक है, और इसका टाइम टू टारगेट क्या है? 1 सेकेंड। तो ये तो 1 सेकेंड बाद ही पहुंच जाएगी ये दोनों कार के, तो फ्लीट बन चुका है टारगेट पे, लेकिन इस वाले को लग रहा है 7 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है? ये वाली जो कार है ये इनसे कभी कोलाइड नहीं करेगी। अभी देखो ना, दो कार चल रही है रोड पे, ये तो 1 सेकेंड बाद ही यहाँ पहुंच गई टारगेट पे और इसे लग रहा है 7 सेकेंड। तो ऑफ कोर्स से बात है, ये कहीं बीच में ये मतलब कोलाइड तो करने नहीं है। कोलाइड कब करते हैं? जब इस वाली कार की जो टाइम टू टारगेट है वो कम होता है या बराबर होता किससे? इससे, राइट? कॉमन सेंस वाली बात है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका एक कार फ्लीट बन गया है और इसका खुद का एक कार फ्लीट बन गया, यानी एक फ्लीट तो मेरे ये बन चुका है, एक ये कार किसी से नहीं टकराई है अभी तक, तो एक फ्लीट इसका बन चुका है, राइट? फिर मैं देखूंगा कि यार ये थ्री, ये वाली जो कार है 5 से पहले वाली कार जो है इसे 3 सेकेंड्स लग रहे हैं टारगेट में पहुंचने में और इस वाली कार को लग रहे हैं 7 सेकेंड्स। तो ऑफ कोर्स से बात है कि अगर ये 3 सेकेंड में पहुंच गई, इससे पीछे वाली कार, 5 से पीछे वाली कार उससे पहले टारगेट पर पहुंच गई, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये इससे टकराएगी। ओवरटेक तो कर नहीं सकती तो टकराएगी, तो टकराएगी का क्या मतलब है कि ये दोनों कार जो है ये बेसिकली एक फ्लीट बना लेंगे। ठीक है, तो एक फ्लीट ये बन गई मेरी, ठीक है, और एक फ्लीट ये बन गई, दो फ्लीट तो बन चुकी हैं। अब मैं क्या देखूंगा कि यार ये वाली जो कार है मेरी 3 वाली, इसे 3 सेकंड लग रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, ये बेसिकली एक फ्लीट बन गई, तो इसे 7 सेकंड्स लगेंगे इन दोनों को एक साथ जाएंगी है। ठीक है, और इससे पहले वाली कार को 12 सेकंड लग रहे हैं, इसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कार कभी आपस में टकराएंगी नहीं, क्योंकि ये बहुत धीरे चल रही है और ये दोनों की जो फ्लीट है ये तेज़ चल रही है, तो ये कभी नहीं टकराएंगे। तो एक फ्लीट मेरी ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, एक फ्लीट इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, और जो ये वाली कार है ये अलग से अकेली रहेगी, ये भी एक फ्लीट बन जाएगी। तो बेसिकली मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं इस एग्जाम्पल को, शुरू से देखते हैं इसे। ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूँ और इस एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं एक बार, ताकि एक और बार तुम्हें ढंग से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम में क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर लाइन बनाता हूँ। नंबर लाइन मतलब मेरी रोड ही है वो बेसिकली, राइट? तो ये 0 है और मेरा ये टारगेट है 12। ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूँ कि ये बेसिकली टारगेट है, लिख दिया। तो मेरी पहली कार कहाँ है? 0 पे ही है। नीचे क्या लिखा था मैंने? नीचे लिखा है मैंने कार की पोजीशन और ऊपर लिखा है उसकी स्पीड। इसकी स्पीड 0 है तो उसकी स्पीड क्या थी? 1। फिर एक कार है मेरी 3 पे, इसकी स्पीड क्या है? 3। फिर जो नेक्स्ट कार है उसकी स्पीड 1 है और पोजीशन है 5। ठीक है, नेक्स्ट कार है उसकी पोजीशन है 8 और उसकी स्पीड है 4। नेक्स्ट कार है उसकी पोजीशन है 10 और स्पीड है 2। मैं क्या करूँगा, सारी कार्ड जितनी भी कार्ड्स हैं उनका टाइम टू टारगेट निकाल लूँगा। टाइम टू टारगेट की मतलब एक पर्टिकुलर कार को टारगेट में पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, टारगेट है 12, कार मेरी ये भी 10 पे खड़ी है। ठीक है, 2 का डिस्टेंस है और 2 ही उसकी स्पीड है, तो उसे 1 यूनिट टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इसे डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं यहाँ पे और नीचे लिख रहा हूँ मैं टाइम टू टारगेट। ठीक है, इसे 1 है टाइम टू टारगेट, ये 8 पे खड़ी है कार, 12 यानी 4 का डिस्टेंस से ट्रैवल करना है और 4 ही मेरा स्पीड है, तो 1 यूनिट टाइम लगने वाला है इस वाली कार को भी। नेक्स्ट कार को देखूं तो 5 पे खड़ी है, 12 पे जाना है, यानी 7 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करना है इसको और 1 यूनिट इसकी स्पीड है, तो बेसिकली इसको 7 यूनिट टाइम लगने वाला है। सेकेंड कह लो, कुछ भी कह लो, मर्जी है तुम्हारी। 3 पे खड़ी है, 12 पे जाना है, 9 का डिस्टेंस ट्रैवल करना है और स्पीड कितनी है? 3, तो बेसिकली 9/3 इज 3, 3 का टाइम लगने वाला है इसे। और ये वाली कार 0 पे खड़ी है, इसको 12 पे जानी है, यानी 12 का डिस्टेंस ट्रैवल करना और स्पीड कितनी है? 1, तो इसको 12 का टाइम लगने वाला है। अब पीछे से देखना शुरू करो, पीछे से देखना शुरू करोगे तो क्या होगा, ये वाली जो कार है इसके पीछे नेक्स्ट जस्ट पीछे वाली कार देखो। ठीक है, इसका इसका टाइम टू टारगेट क्या है? 1। इसका टाइम टू टारगेट क्या है? 1। इसका टाइम टू टारगेट और इसका टाइम टू टारगेट सेम है, कहने का मतलब क्या है कि टारगेट पे सेम टाइम पे पहुंचेगी। अगर टारगेट पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे मतलब ये दोनों कार कंबाइन हो जाएंगी टारगेट पे जाके, और क्वेश्चन में दे रखा है अगर दो कार टारगेट पे जाके भी कंबाइन हो रही है तो उन्हें एक ही कार मानो, मतलब फ्लीट मानो। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों कार्स को बेसिकली एक फ्लीट का पार्ट बना दूंगा।
तो मेरी ये दोनों कार अब कंबाइन होके एक कार बन चुकी है। इसकी स्पीड हो जाएगी अब इस वाले जितनी आगे वाली स्पीड की कार थी 2, और टाइम टू टारगेट इसका 1, जितना आगे वाली का था। ठीक है, अब मैं इस वाली कार पे हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि क्या ये दोनों मिलके भी एक फ्लीट बना रहे हैं, कि क्योंकि क्या होगा अगर ये दोनों मिलके एक फ्लीट बना लेंगे तो ये तीनों की एक फ्लीट बन जाएगी। ठीक, तो मैंने क्या देखा कि यार मैं यहाँ पे हूँ 8 वाली कार पे, और इससे पहले वाली जो कार है वो 5th पोजीशन पे है, और इसका टाइम टू टारगेट है 1 और इसका टाइम टू टारगेट है 7। ये तो पहुंच जाएगी 1 सेकेंड में और ये पहुंचेगी 7 सेकेंड में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये आपस में कभी भी कोलाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस फ्लीट को इतना ही रहने देंगे, ये वाली जो हमारी फ्लीट है ये इतनी रहेगी, और हम अपने आंसर में 1 ऐड कर देंगे। अब 1 ऐड क्यों करेंगे, वो जो 1 ऐड होगा वो तुम्हें लग रहा होगा कि इस वाली कार के कॉरस्पॉन्डिंग ऐड हो रहा है, लेकिन वो इस वाली कार के कॉरस्पॉन्डिंग ऐड नहीं हो रहा, इसके आगे वाली जो कार है उसके आगे वाली कार मतलब इस फ्लीट के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर ऐड होगा। अगर तुम्हें कहीं भी पता चल रहा है कि टाइम टू टारगेट जो i-1 वाली कार का है वो क्या है, वो ज़्यादा है टाइम टू टारगेट ith कार का, ith कार से, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो पीछे वाली कार है उसे ज़्यादा टाइम लग रहा है और जो आगे वाली फ्लीट है या एक सिंगल कार है उसे कम टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कभी कोलिजन ही नहीं हो रहा। तो यानी कि जो इससे आगे वाला जो ये फ्लीट था ये इसके साथ कंबाइन नहीं होगा, तो एक ऐड कर दूंगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अभी जब इसे कोड करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पर अभी के लिए मैं बता रहा हूँ आंसर में मैं क्या कर दूंगा, आंसर मेरा अभी हो जाएगा 1, और ये जो 1 हुआ है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। अब तुम कहोगे कि इसके ये वाली जो कार है इसके कॉरस्पॉन्डिंग का आंसर ऐड करोगे, अब जब हम इस वाली कार को चेक कर लोगे तब देखेंगे हम कि क्या ये किसी के साथ फ्लीट में जा रही है या नहीं जा रही है, राइट। तो ये अभी 5 पे है, इससे पहले वाली कार 3 पे है, इससे 7 सेकेंड लग रहे हैं और इससे पहले वाली को 3 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, यानी कि इससे जो पीछे वाली है जो 3 वाली कार है ये पहले टारगेट पे पहुंच जाएगी और ये 5 वाली देर में पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 वाली 5 से टकराएगी। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों एक फ्लीट बना लेंगे। ठीक है, अब अभी इस टाइम मैंने आंसर इंक्रीमेंट नहीं करा अपना, ठीक है ये ध्यान रखना, अभी मेरा आंसर 1 ही है। तो तुम कहोगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर कब इंक्रीमेंट होगा, अभी बताता हूँ कब होगा, देखो। ठीक है, फिर अब मैं इस वाली कार पे आऊँगा। ठीक है, इस वाली कार की अब जो मेरी वो है स्पीड और पोजीशन वो क्या हो जाएंगी, जो इस फ्लीट की है, इस फ्लीट की क्या है, इसे टाइम टू टारगेट हो जाएगा इसका 7 इस वाली कार का, और इसकी जो पोजीशन है वो तो उससे मैटर नहीं करता पर वो 5 हो जाएगी अब। ठीक है, तो इसका टाइम टू टारगेट है 7 इस वाली कार का, और इससे पहली वाली कार का क्या है 12, इसे 12 सेकेंड लग रहे हैं पहुंचने में, इसे 7 सेकेंड लग रहे हैं पहुंचने में। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि ये वाली जो फ्लीट है ये इससे कभी टकराएगी ही नहीं, ये धीरे, जो इससे पीछे वाली कार है वो धीरे चल रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने आंसर में +1 करूँगा, और जो ये +1 है ये टोटल इस फ्लीट के लिए है। ठीक है, अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इस वाली कार पर आऊँगा, इस वाली कार पर मैं क्या देखूँगा कि इसके पीछे तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यानी ये सिंगल खुद की फ्लीट बनाएगी, तो मैं अपने आंसर को इंक्रीमेंट +1 कर दूंगा बस, तो ये हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा मेरा इस केस में 3। ठीक है, तो अब तुम इसका कोड देखो, कोड देख के ज़्यादा बेहतर से क्लियर होंगी ये चीज़ें, राइट। तो मैंने करा हुआ एक बार, फिर भी एक बार मैं दोबारा से कर देता हूँ ताकि वॉक थ्रू हो जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था एक कार क्लास बनानी पड़ेगी, तो एक कार क्लास बना लेते हैं, क्लास कैपिटल CAR। इसमें क्या क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पोजीशन, कार की जो पोजीशन है वो चाहिए मुझे, और डबल में चाहिए, डबल में क्या चाहिए, टाइम टू टारगेट, कि ये जो फ्लीट है या एक पर्टिकुलर कार है इसको टारगेट में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका कार का, तो ये हो जाएगा इंट पोजीशन डबल टाइम टू टारगेट। अरे तुम कहोगे कि इतने बड़े बड़े वेरिएबल्स के नाम के देते हो, यार ये गुड प्रैक्टिस है कि मतलब जो तुम्हारा कोड पढ़ रहा है उसे अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं इतने बड़े बड़े पोजीशन और टाइम टू टारगेट लिख रहा हूँ ताकि कोड रीडेबल हो। ये इंटरव्यू में सब देखा जाता है कि तुम्हारा कोड कितना रीडेबल है, क्योंकि बेसिकली अगर तुम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम टाइम टू टारगेट को TTT दे दो, कुछ भी दे दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम एक एक्चुअल इंटरव्यू में बैठे होगे तो वहाँ पे वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया पोजीशन और डबल टाइम टू टारगेट का,
और उसे इनिशियलाइज कर दिया इन दोनों वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे कार टाइप का, इसका नाम दे दो कार्स इक्वल्स टू न्यू कार, और इसके डायमेंशन कितने होंगे, जितनी हमारी पोजीशन है, ठीक है। तो इंट एन इक्वल्स टू स्पीड डॉट लेंथ, तो ये जो मेरा कार्स टाइप का एरे है इसके डायमेंशन है एन। अब मैं क्या करूँगा, इस कार टाइप के एरे को फिल करना शुरू करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, कार्स ऑफ आई इक्वल्स टू न्यू कार, और पोजीशन क्या हो जाएगी मेरी, पोजीशन आई, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पढ़ना है टाइम टू टारगेट, तो टारगेट जो भी है मेरा माइनस उस कार की जो पोजीशन है, राइट, टारगेट माइनस जो उसकी पोजीशन है पर्टिकुलर कार की, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1/1 × 1.0 से, ताकि पूरा का पूरा डबल में कन्वर्ट हो जाए। और इसको किससे डिवाइड करना है, जो भी कार की स्पीड है, स्पीड ऑफ आई, राइट। तो इस वक्त मेरे पे क्या सेव्ड है, हर एक एक कार टाइप का एरे बन जाएगा, उसमें पोजीशन स्टोर होगी हर कार की, और उस पर्टिकुलर कार को टारगेट में पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है वो स्टोर्ड होगा मेरे पे, राइट। तो इतना काम मैं कर चुका हूँ। अब क्या करना था, ये जो मेरा एरे बना था इसको बेसिकली सॉर्ट करना था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोजीशंस, क्योंकि एक जीरोथ कार अपने नेक्स्ट इंक्रीजिंग डिस्टेंस वाली कार से ही कोलाइड कर सकती है, राइट। तो इसे मैं यहाँ पे सॉर्ट कर दूंगा, सिंस ये एक एरे है तो मैं एरेज डॉट सॉर्ट यूज़ करूँगा। इसमें मैं पास कर दूँगा कार्स, और यहाँ पे एक नया कंपैरेटर बना लेते हैं। कंपैरेटर पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, COMPARET। और कंपैरेटर किस टाइप का, कार, और इसके अंदर एक फंक्शन बनता है पब्लिक इंट कंपेयर, ये दो पैरामीटर लेता है, पहली कार कार ए और दूसरी कार कार बी। ये बेसिकली ये जो मैं इस वक्त कोड लिख रहा हूँ ना, ये एक मतलब एक क्लास का एरे बनाया, अगर तुमने कस्टम क्लासेस का, उसे सॉर्ट करने का तरीका है। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा ऊपर से जा रहा है, तो लिंक देख लो डिस्क्रिप्शन में, कंपैरेटर का पढ़ा हुआ है, उससे पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करते थे, रिटर्न ए डॉट पोजिशन माइनस बी डॉट पोजिशन, सही। तो यहाँ तक सॉर्टिंग वाला काम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा, फॉर एंड आई इक्वल्स टू एन माइनस वन, पीछे से शुरू करते हैं हम, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आई माइनस माइनस। मैं क्या देखूँगा, इफ़ कार्स ऑफ आई डॉट टाइम टू टारगेट, और एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो इंट आंसर, जिसे ज़ीरो से इनिशियलाइज कर लो कि अभी तक ज़ीरो फ्लूइड से। अगर मेरी आईएथ कार का टाइम टू टारगेट ज़्यादा है किससे, इससे पहले वाली कार से, डॉट टाइम टू टारगेट, टी बड़ा है, कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब इतना सा है कि ये दो कार थी, ठीक है, ये आईएथ कार है, ये आई माइनस वनथ कार है, इसका जो टाइम टू टारगेट है टीटीटी है वो बड़ा है, लेट से कि ये 7 है और इसका है लेट से 5, तो इससे पिछले वाली जो कार है वो बेसिकली क्या करेगी, इसके साथ कोलाइड कर देगी, क्योंकि वो इससे तेज़ चल रही है, वो 5 सेकेंड में पहुँच रही है और ये 7 सेकेंड में पहुँच रही है। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना है, कार्स ऑफ आई माइनस वन में मैं क्या डाल दूंगा, कार्स ऑफ आई, क्योंकि वो बेसिकली दोनों कार जो है कोलाइड करके, ये जो दोनों कार है ये क्या होगा, ये आपस में कोलाइड करके एक कार बन जाएंगी, तो इस वाले कार के जो स्पेसिफिकेशंस है वो अब इस वाले कार से गवर्न होंगे, ये पूरी एक फ्लीट जो है। तो मैंने क्या कर दिया, बेसिकली इसके इसकी इसकी आई वाले की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो आई माइनस वन वाले में डाल दिया, ये करा है, राइट। एल्स अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब क्या है कि जो मेरी आईएथ कार है उसका जो टाइम टू टारगेट है वो कम है, कह रहे हैं मतलब क्या है कि लेट्स से अभी तो ये 5.7 था, ये पहुंच जाती है 2 सेकंड में ही और ये 5 सेकंड में ही, ये छोटा है इसका, तो इसका मतलब क्या है कि कभी कोलाइड करेगा नहीं, ये धीरे धीरे आ रही है, जल्दी पहुँच गई। अगर कोलाइड नहीं कर रही तो ये एक सिंगल फ्लीट की तरह कंसिडर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, आंसर प्लस प्लस कर दूँगा अपना,
राइट, बस इतना सही है। और फिर एंड में तुम देखोगे कि ये जो लूप है ये ग्रेटर देन 1 तक चलाना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम 0 तक चला दोगे तो i-1 वाला बंदा एक हैंडल नहीं हो पाएगा, मतलब वो कह देगा यार इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। और एंड में तुम क्या कर दो, आंसर +1 रिटर्न करो। अब तुम कहोगे यार ये 1 का क्या पंगा है, 1 का पंगा ये है, देखो हमने जो कंपैरिजन करा है ना वो इस वाले कार तक करा है, 1th इंडेक्स ये है, इस वाले कार तक करा है, ये वाली तो बच गई। तो एक ये जो कार है ये हमेशा एक सिंगल, लेट से कि ये दोनों मिलके एक फ्लीट पे बना देती, तो जब हम फ्लीट बनाते हैं तो हम अपना आंसर थोड़ी इंक्रीमेंट करते हैं। हम कब इंक्रीमेंट करते हैं अपना आंसर, जब फ्लीट नहीं बनती। तो जब इस वाली कार में, इस वाली कार को जब तुम कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, तो अगर ये फ्लीट बन भी गई होगी तो फ्लीट को काउंट भी तो करना है, तो हमेशा से हमेशा ही एंड वाली कार रह जाएगी। तो बेसिकली आंसर जो भी तुम्हारा अब तक आया उसमें +1 करना है, राइट? तो आंसर +1 रिटर्न करोगे। और यहाँ पे भी ऊपर एक एच केस है, इफ़ एन इक्वल्स टू 0, कि अगर एम्प्टी मिल गया तुम्हें तो रिटर्न कर देना है 0। तो उसे रन करा के देखते हैं। तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर सेम टाइम है, टाइम टू टारगेट सेम भी है 2 का, तो भी बेसिकली वो एक ही कार बन जाएंगे। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ यहाँ पे, तो रन कॉल सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट हो गया। तो आई होप कि तुम्हें पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा यार, और समझ नहीं आया तो इंस्टाग्राम पे मेरे को तुम पिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल है ANURAG अनुराग CODES कोड्स, ठीक है? ये IG है। और कमेंट्स कर सकते हो नीचे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और कंपैरेटर का जो वीडियो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी डाउट है कमेंट में डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, जहाँ भी डालना है, जो भी है डाउट आ रहा है, या फिर कोई तुम्हें काउंसलिंग एडवाइस चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।